नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं भारत ने ओलंपिक में पहली बार कब खेला और पहला गोल्ड अवार्ड कब जीता। 1896 में फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत करीब 125 साल पहले ग्रीस के एथेंस शहर में करी गई थी। 1900 पेरिस ओलंपिक में भारत का रिप्रेजेंट करने वाले पहले बॉर्न एथलीट नॉर्मन प्रीचर्ड, जिन्होंने दो मेडल्स भी जीते थे, इनकी नेशनलिटी को लेकर डाउट था। एक्चुअली नॉर्मन प्रीचर्ड बंगाल में पैदा हुए, यहीं पर पले बड़े, लेकिन ये अंग्रेज थे। इनके फादर यहां जॉब करते थे, इसलिए इनको भारत का माना जाए या इंग्लैंड का, इसको लेकर उस टाइम भी डाउट था। कुछ अखबारों में इनके नेशनलिटी के बारे में ये लिखी गई थी कि नॉर्मन प्रीचर्ड इंग्लैंड को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और ओलंपिक के जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उसमें इनके आगे ब्रिटिश इंडिया लिखा गया है। फिर 1908 और 1912 ओलंपिक में भारत का कोई भी हिस्सेदारी नहीं था। वर्ल्ड वार वन के चलते 1916 का ओलंपिक भी नहीं होता है। फिर 1920 के ओलंपिक, 1920 में भारत के तरफ से जो पहले लोग ओलंपिक में पार्ट लेने गए थे वह हैं स्वदेशी दातर, फतेहपा चौगले, कुमार नवले, पूर्णिमा बनर्जी, रणधीर सिंहदेश। हम इस ओलंपिक में जीत तो नहीं पाए, लेकिन अब सबको ये पता हो जाता है कि अब भारत को भी ओलंपिक में हिस्सा लेना है। फिर 1923 में ऑल इंडिया ओलंपिक कमेटी बनता है और नेक्स्ट गेम के लिए टीम बनाया जाता है। फरवरी 1924 में ऑल इंडिया ओलंपिक गेम करवाया गया, देखने के लिए कौन ओलंपिक में भेजने के लायक है, और यह ऑल इंडिया ओलंपिक गेम नेशनल गेम में बदल जाता है। आज़ादी के बाद इनको नेशनल गेम कहा जाता है। उसके बाद 1927 में ओलंपिक कमेटी को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में बदल दिया जाता है। इनका काम ये होता है भारत में स्पोर्ट को डेवलपमेंट और राष्ट्रीय खेल के लिए शहर के चुनाव करना और ओलंपिक खेल करवाने के लिए टीम का चयन करना। फिर 1928 में IOS ने 7 एथलीट्स को चुना जो भारत को रिप्रेजेंट करेंगे, और भारत को पहला गोल्ड मेडल्स 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में हमारी हॉकी टीम के द्वारा जीता गया, जिसमें लेजेंडरी प्लेयर ध्यानचंद भी थे। इसमें सभी टीमों को भारत ने हरा दिया और फाइनल में नीदरलैंड को 3-0 से हराया था। ये टीम लगातार 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स हासिल किए। ये है ओलंपिक की तरफ से पहले गोल्ड मेडल्स। अगर आपको 1928 के बाद अब तक की पूरी हिस्ट्री जाननी है तो कमेंट में बताएं, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। शुक्रिया दोस्तों।